न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साम। गिरिडीह सदर प्रखंड के शिकदारडीह पंचायत के कब्रिस्तान का लगभग 150 साल बाद अंजुमन कमेटी की निगरानी में साफ सफाई की गई। मौके पर बताया गया कि चार गांव पर यह एक कब्रिस्तान है जो काफी सालों के बाद सभी लोगों के सहयोग से साफ सफाई कर रास्ता की समुचित व्यवस्था की गई। इस अवसर पर अंजुमन के सरपरस्त हसन इमाम, सदर तोहिद आलम, सेक्रेटरी सिराज मिर्जा सहित गांव के कई ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे गांव के सभी नौजवान बच्चे बूढ़े सभी मेरे कब्रिस्तान को जो भी झाड़ी उड़ी है जंगल उंगल बढ़ गया था उसका सफाई का कार्यक्रम आज चल रहा है और ये पूरा कब्रिस्तान को सफाई हम लोग करेंगे बढ़िया से ताकि आने वाले समय में मिट्टी उट्टी देने में दिक्कत ना हो। कौन सा कब्रिस्तान है ये कब्रिस्तान? बड़े कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है जो जंगल के बगल में पंचायत भवन के बगल में है वो बड़े कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। शिकदारडीह है क्या? हाँ शिकदारडीह कब्रिस्तान है, शिकदारडीह का बड़े कब्रिस्तान है। इसमें बहुत सारा जंगल झाड़ी उड़ी बढ़ गया था उसको सफाई करने के लिए सभी नौजवान बड़े बूढ़े बच्चे सभी आए मिलजुल के और सभी के सहयोग से आज सफाई का कार्यक्रम चालू है। कितने दिन से साफ नहीं हुआ था? हमको लगता है लगभग 30-40 साल से सफाई का काम नहीं हुआ था जो कि फर्स्ट टाइम हम लोग का करवा रहे हैं। हम लोग सभी का सफाई किया जा रहा है अंजुमन के द्वारा। सारे शिकदारडीह के नौजवानों लोग आके कब्रिस्तान का सफाई किया जा रहा है। बहुत दिनों से कब्रिस्तान की सफाई नहीं हुई थी, झाड़ फूस बढ़ जाने के कारण में से बाहर के जानवर आके घुस जाते थे, जानवर जंगली जानवर जिससे लोगों को हानि पहुंचाता था। आज पूरे गांव के लोग मिलके सफाई कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और शिकदारडीह का कब्रिस्तान में हम लोग हैं, बड़ा कब्रिस्तान में। वहाँ पर क्या हुआ है कि कब्रिस्तान के अंदर में झाड़ी बहुत सा हो गया है, बहुत दिन से साफ नहीं हुआ था। यानी हमारा हाउस में हमारा आज 65 उम्र जा रहा है, इसके बीच में आज तक हम सफाई का कभी अभियान नहीं हुआ था यहाँ पर। आज शिकदारडीह के आवाम पूरा जनता ये इरादा कर लिया है कि हम लोग कब्रिस्तान को साफ सुथरा रखेंगे, सभी आदमी का कहना है और आप लोग भी सहयोग करने की कोशिश करें। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।